बदउनवानी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात मेरी हुकूमत आने से पहले बने। अफगानिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं है। तुर्क टेलीविजन को इंटरव्यू, बोले भारत कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। मसला कश्मीर का हल सिर्फ मुज़ाकरात से है। मरियम चुप रहो, नवाज शरीफ का हुक्म। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के खिलाफ फौरी एहतजाजी तहरीक न चलाने का फैसला। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को आर्जी तौर पर अमली सियासत से दूर रहने की हिदायत। हुकूमत के खिलाफ कब तहरीक चलानी है, फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो मासूम और क्लीन है। बिलावल अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सियासी स्कोरिंग के लिए बिलावल और मुराद अली शाह का नाम शामिल किया गया। वज़ीर आला का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ACL से निकालने का हुक्म। DIT रिपोर्ट से भी बिलावल और मुराद अली शाह का नाम निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सरांखों पर हुकूमत का। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ACL से निकालने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं PTPPI वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे की मुतालबे पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने DIT पर तमाम एतराजात मुस्तरद कर दिए। मामले खसूसी शहजाद अकबर का दावा। बेनामी जायदाद वज़ीर आज़म की है, मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहती हैं इमरान खान UAE में कारोबार करते हैं। वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का हिसाब दें, नए कर्जे मईशत पर बोझ बनेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फलाल तालपुर की जमानत में 23 जनवरी तक तोसी। हमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने से रोका हुआ है। अदालत उज़्मा की इजाजत के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते, बैंकिंग कोर्ट के जज के रिमार्क्स। जियालों का मोराल हाई, कर दी हुकूमत पर चढ़ाई। घबराने वाले हैं न मुल्क से भागने वाले। निसार खोड़ों का ऐलान, हुकूमत के सियासी इंतकाम को अदालत ने बेनकाब कर दिया। मुर्तजा वहाब का हुकूमत पर वार, नफीसा शाह बोली तहरीक इंसाफ तहरीक इंतकाम है। चीफ जस्टिस के इजहारे पर हमी के बाद हुकूमत को ख्याल आ ही गया। वज़ीर आज़म ने जस्टिस साकिब निसार के राजी होने तक मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तकरीब मुलतवी कर दी। हुकूमत ने अब तक क्या किया सिवाय इस ऐलान के कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। हम आपको फंड इकट्ठा करके दे रहे हैं। हुकूमत में इतनी मुरव्वत नहीं कि तारीख बदलने का पूछ लेते। वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि कितने मामलात पड़े हुए हैं। अब वज़ीर आज़म को कहें मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद वही रखें। चीफ जस्टिस का फैसल गौडा से मुकालमा, विभाग के वजीर ने माफी मांगी।